गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, एवरीबॉडी हियर मी? यस सर, नोबडी इज गुड रिस्पोंडिंग। आफ्टरनून सर। आज जोश कम हो गया, कल जोश में थे आज ठंडा पड़ गए। कभी कभी ऐसे मुहूर्त में आता है क्या जिस मुहूर्त में आप जोश में आते? नो सर, वंस इन अ ब्लू मून। सब मुहूर्त के ऊपर डिपेंड है। आसमान में तारों का क्या हे कृष्ण। और द लास्ट टॉपिक वी वर डिस्कसिंग अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड दैट वी डिस्कस्ड अबाउट लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, एवोगैड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ एंड देन गेलुसेक लॉ, गेलुजैक्स लॉ। ऐसे हमने सारे लॉस पढ़े, फिर हमने एवोगाड्रोस लॉ के बेस पे शायद एक दो क्वेश्चन भी देख लिया था हमने मीनिंग समझने के लिए। इस यस प्रकार वन सर। मोल ऑफ एनी गैस मोल पर 2.4 लीटर वॉल्यूम, या फिर 2.4 लीटर मतलब 1 मोल, ये रिलेशन हमने देखा वहां पे। उसके बाद हमने कुछ बातें की जिस प्रकार से एटॉमिक मास क्या है। ऐसा कुछ यस सर, मास नंबर क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, इन चीजों के ऊपर हमने कुछ देखा था। आज हम आगे बढ़ते हैं उसके। लेट्स मूव अहेड। सर। हेलो, हाँ जी ओ सर। हेलो सर, अरे सर के आगे कुछ बोलो। सर वो 22.4 लीटर की होता है 1 मोल। एक डजन में, एक डजन मतलब 12 क्यों होता है? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? हाँ सर फिक्स जी, वैल्यू, एक डजन 12 क्यों होता है? हाँ फिक्स वैल्यू सर, वैसा ही यहाँ भी है। कुछ चीजों के पीछे लॉजिक नहीं है, कुछ चीजें फैक्ट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है। ऑफ कोर्स ये 12 वाला तो हमने एजम्पशन लिया है, परंतु जो 24.4 लीटर का आपने बोला वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने के बाद वो वैल्यू दिया गया। जो मोल का ना। मूविंग हेलो अहेड सर, 6.022 × 10³, ये हर एटम के लिए एप्लीकेबल कैसे है? क्या बोल रहे हो? सर मैं बोल रहा हूँ 6.22 × 10³, ये हर एटम के लिए कैसे एप्लीकेबल है सर? कैसे? मतलब सर मैं अच्छा अभी एक बात सपोज, बताइए, एक डजन एप्पल्स में कितने एप्पल होते हैं? अच्छा, सर 12, एक डजन ऑरेंज कितने ऑरेंज होते हैं? सर 12, सर अच्छा, एक डजन अंडे में कितने अंडे होंगे? बोलो। सर अच्छा, एक डजन डायनासोर्स, डायनो में कितने डायनासोर होंगे? सर 12 ऐसा कैसे पॉसिबल है बताओ ना यार मुझे। सर, डायनासोर क्योंकि इतना बड़ा है, डजन का इतना एक बड़ा सर। डायनासोर है। एक बात सोचो ना, इतना बड़ा डायनासोर है, छोटा सा एप्पल है, फिर तुम ऑरेंज बोलते हो, अंडे बोलते हो, अलग अलग चीजें, फिर तुम हर चीज के लिए 12 ही बोल रहे हो। चेंज करो ना यार। सर आपने ब्रेड पूछो ना, हाँ यू आस्क अबाउट 1 डजन ब्रेड। व्हाई व्हाई शुड आस्क फॉर ब्रेड इज समथिंग रिलेटेड टू हिम। सर बेकर्स डजन में 13 होता है। क्या बोले?
बेकर्स डजन में 13 होता है। वाह रे वाह। एनीहो अच्छी बात है कि यहाँ पे केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस नहीं, एटलीस्ट एक बात तो है कि एक्सेप्शन नहीं। वन मोल बेसिकली जो है एक नंबर है, तो डिनोट करता है 6×10^23 या मोर प्रिसाइजली 6.022। इट्स बेसिकली नंबर, या फिर आप बोलेंगे ये नंबर हमने यही नंबर क्यों लिया, ऐसा क्वेश्चन आप पूछते हो। आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, आपने ऐसा पूछा होगा तो जवाब देता अलग तरीके से। आप बोलते हैं कि सबके लिए सेम कैसे होगा, वो एक मोल एक नंबर है, इट इज एंड दैट। तो आपने बोला ना एटम्स के लिए, क्यों मैं बोलूंगी एटम्स नहीं, दिस कैन बी यूज फॉर आइदर एटम्स, यू कैन यूज दिस फॉर आयंस, यू कैन यूज दिस फॉर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, एंड यू कैन इवन से, अगर आपने मुझसे पूछते हैं सर क्या आप होम ट्यूशन लेते हैं, मैं बोलता हूँ हाँ लेता हूँ। फिर आप मुझे पूछते हैं कि सर आपका होम ट्यूशन का फीस क्या है, मैं बोलता हूँ जस्ट रुपीज 1 मोल पर सेकेंड। क्या आप मुझे पे कर सकते हो इतना? नो सर। अभी एक ही तो है, ओनली 1 मोल यार सर, ज्यादा है सर, 1 मोल भी तो बहुत ज्यादा है सर। 6×10^23, 6×23 लगा लो, इतना आप जिंदगी भर में नहीं कमा सकते। आप पूरा लाइफ भी आपने दे दिया ना, इतना पैसा कमा नहीं पाओगे, मेरा 1 सेकंड का फीस आप भर नहीं पाओगे। समझ रहे हो? अंबानी भर देगा सर। अरे अंबानी बंबानी भी नहीं कर सकता इतना यार, ये इंडियन इकोनॉमी से बड़ा नंबर हो गया, अंबानी कोई नहीं है। अंबानी बंबानी तो बाप सब मिल भी जाएंगे ना, तो भी ये फीस भर नहीं पाएंगे। ऐसा कोई कृष्ण पैदा नहीं हो जो मेरा फीस भर सकता है, समझ रहे? 1 मोल पर सेकंड का फीस कोई नहीं भर सकता है, ये बहुत बड़ा नंबर है। करके देखो आप कितना जीरो है, इसका मीनिंग क्या है। तो ये जो 1 मोल है ना, मैं बोलने मतलब ये 1 मोल सिर्फ एटम्स आयंस के लिए नहीं, मैं किसी के लिए यूज करता हूं, बिकॉज़ एक नंबर है, इट्स अ नंबर, आई कैन यूज फॉर एनीथिंग, आई कैन से 1 मोल गधे, मतलब क्या इतने सारे गधे, आई कैन से 1 मोल क्या, 1 मोल किताब, 1 मोल बच्चे, है ना। जैसे आपका मोहित सर बोलेंगे, मैं पूछूंगा मोहित सर से, सर आपका टारगेट कितने एडमिशन चाहिए आपको, जस्ट 1 मोल मेरा टारगेट है, जस्ट 1 मोल, मतलब क्या इतने सारे स्टूडेंट टारगेट है, पॉसिबल है? नहीं, नो सर, बहुत मुश्किल है सर, जनसंख्या नहीं है शायद भारत के अंदर, है ना, जनसंख्या भी इतना नहीं है, 10^23 इतना बड़ा क्लासरूम नहीं बन सकता। तो मोल जो शब्द है ना, एक नंबर है, इस नंबर को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, आट एटम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आयंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, इट्स अ जनरल। जिस प्रकार डजन एक वर्ड है जिसका मीनिंग 12 है, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे ही मोल भी एक नंबर है, उसको कॉम्प्लिकेट मत करिए आप, ठीक है ना, उसको किताबी दृष्टिकोण से देख के कॉम्प्लिकेट मत करिए, ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशन के परस्पेक्टिव से देख के कॉम्प्लिकेट मत करिए। उस मोल को अलग अलग तरीके से लोग डिफाइन कर देते हैं, और इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि समझ में ही नहीं आता क्या है वो, यू गेट कंफ्यूज्ड। बट अंडरस्टैंड, मोल इज नथिंग बट अ सिंपल नंबर। नाउ द क्वेश्चन कुड बी लाइक दिस, यू मस्ट हैव आस्क्ड मी कि सर आपने, हमने जो है, साइंटिस्ट ने जो 1 मोल है इसका वैल्यू ऐसा ही क्यों लिया है, है ना, वाई ओनली दिस, वाई नॉट 1 मोल कैन बी 10^23, है ना, वाई नॉट दिस कैन बी, है ना, सम अदर नंबर, यही नंबर क्यों? तो इसका रेफरेंस कहां से ले साइंटिस्ट ने, ये प्रश्न फिर भी एक लॉजिकल क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ये नंबर ही क्यों लिया है। इसके लिए आप टेक्निकली डेफिनेशन पढ़ते हो, क्या डेफिनेशन पढ़ते हो जी बताइए, किताबों के अंदर जो डेफिनेशन में दिया रहता है वो इसी बात का उत्तर है। वो क्या बोलते हैं, 1/12 ऑफ द, देखो नंबर ऑफ एटम्स, 1 मोल कितना, एक तराजू लिया आपने, बोलते 1 मोल मेजर करना है आपको, बताओ कल्पना हाउ विल यू मेजर 1 मोल। मानो अथर्व ने पूछा मुझे 1 मोल एप्पल चाहिए, और यू आर द एप्पल गर्ल,
है ना, मानो तुमको उसका एप्पल तोड़ के देना है, तुम एक मोल एप्पल किस प्रकार तोड़ के दोगे? सो पॉसिबल ही नहीं है। अरे मान लो पॉसिबल है यार, मान लो यू आर बियॉन्ड दिस क्रिएशन, तो यहाँ तुम एप्पल डालते जाओगे, यहाँ पे तुम्हें क्या डालना पड़ेगा? ये तोलने के लिए जो यूज, क्या बोलते हैं उसको, जो तोलने के लिए अलग अलग होता है ना, एक केजी का आधा केजी का, व्हाट यू से दैट देयर कॉल्ड एज वेट, वेट वेट्स ही बोलते हैं क्या उसको? हां सर। अच्छा, वेइंग स्टोन्स जो भी है, तो वो जो है तुम क्या यूज करोगे? ऐसा यहाँ पे तुम क्या डालोगे जिससे तुम इसको वन मोल मेजर कर सकते हो? ही नहीं सकता सर। अच्छा, एवोगैड्रो नंबर, तो वही तो एवोगैड्रो नंबर ही वन मोल है ना, पर क्वेश्चन ये है ना, वो एवोगैड्रो नंबर वन मोल के वैल्यू वही क्यों है? तो वो केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से क्या रेफरेंस लिया आपने? आपका स्कूल में होगा है ना कार्बन 12 एटम। आपने कार्बन को रेफरेंस दिया, किसको लिया है? कार्बन, कार्बन। क्या डेफिनेशन पढ़ते हो जी भाई? इतना एटम डालो इसके अंदर, अगर मान लीजिए किसी ने आपको बोला मुझे एक मोल ऑक्सीजन एटम चाहिए, बोले तुम एटम डालते रहो, ऑक्सीजन के एटम इसमें डालते रहो, और यहाँ पे क्या डालोगे? कार्बन 12 एटम, द मास कंटेन्ड इन 1/12 ऑफ द कार्बन 12 इज कॉल्ड एज वन मोल। अगर तुमने इसका एक बारह तिहाई करके 1/12 कार्बन को यहाँ डाल देते हो और यहाँ ऑक्सीजन डाल देते हो, ऑक्सीजन एटम डालते रहो, जितने इसके अंदर एटम्स बैठेंगे ना उतने एटम्स ऑक्सीजन आप लेंगे तो वन मोल कहलाता है। ऐसा एक महीने के बाद भी जब इसको डिफाइन किया गया था, एक्चुअली जब रेफरेंस को लेना था ना कार्बन को ले, पहले जो रेफरेंस जो था, यू नो जो केमिस्ट थे दे टुक ऑक्सीजन एज ए रेफरेंस फॉर मोल। वो बोले ऑक्सीजन के परस्पेक्टिव से कोई तो एक नंबर को हम निकालते हैं जिसके माध्यम से हम निकालेंगे, ये मोल कंसेप्ट जो ऑक्सीजन से करना चाहिए था। फिर बाद में जो फिजिस्ट थे, यू नो व्हाट इज केमिस्ट, केमिस्ट्री वाले है ना, फिजिस्ट मतलब फिजिक्स वाले जो प्योर फिजिक्स पढ़ते हैं, बोलो, ये बोले नहीं हम कार्बन को रेफरेंस लेंगे, ये बोले नहीं हम ऑक्सीजन को रेफरेंस लेंगे। इन्होंने कार्बन को रेफरेंस लेके जो आज हम पढ़ रहे हैं वो कार्बन रेफरेंस वाला है, 6 पॉइंट आया ना, वो कार्बन के एटम्स को गिन के किया हुआ है, और ये ऑक्सीजन के साथ केमिस्ट ले रहे थे। तो इन्हें उस टाइम में ना, जब ये चल रहा, झगड़ा चल रहा था 7 decades बैक, उस टाइम किताबों के अंदर डबल डबल मोल कंसेप्ट, सब कुछ डबल डबल था। क्यों? अकॉर्डिंग टू फिजिस्ट अलग से था, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट अलग से था, दोनों पढ़ना पड़ता था। बाद में फिर एक डिबेट हुआ, कॉन्फ्रेंस बैठा गया कि भाई कोई एक तय करना है, समाज में कंफ्यूजन फैल रही है ये दोनों के झगड़े के बीच में, तो दोनों कॉन्फ्रेंस मीट हुआ, बहुत सारे डिबेट्स हुए, एक कार्बन की ओर से ये ऑक्सीजन की ओर से कौन सा बेहतरीन एलिमेंट है, इसको रेफरेंस लेना चाहिए जिससे मैक्सिमम चीजें सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम्स। वो पूरे डिबेट के बाद बहुत दिन कॉन्फ्रेंस मीट था, उसके बाद कौन जीत गया? कार्बन जीत गया, कार्बन, फिजिक्स वाले, कार्बन। फिजिक्स वाले जीत गए, केमिस्ट्री वाले हार गए। फिजिक्स वालों के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी थे स्पेसिफिक, जिसके माध्यम से उनका जो नंबर उन्होंने दिया था, ये मोल कंसेप्ट का ये नंबर वगैरह, वो अधिक प्रिसाइज था, उनके पास उनको प्रूफ भी था, दे हैड द इंस्ट्रूमेंट्स टू जज ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज फिजिकली ये पॉसिबल नहीं था एटम्स के, एटॉमिक लेवल पर जज करना। जो केमिस्ट्री के तो इंस्ट्रूमेंट्स कुछ भी नहीं थे, ये वेग कंसेप्ट हो गया था उनका जो कंसेप्ट था, तो उसीलिए उस टाइम से कार्बन को रेफरेंस लिया गया और कार्बन के रेफरेंस से ये नंबर को कैलकुलेट किया गया। कार्बन के रेफरेंस से ये नंबर को कैलकुलेट किया गया, ठीक है, और जैसे भी उन्होंने किया रिसर्च ना, विल नॉट डिटेल इन दैट हाउ डिड इट, वो हमारे स्कोप के बाहर है और टाइम वेस्ट करने से पहले। सो आफ्टर ऑल दोस थिंग्स, ऑल दोस रिसर्चर्स, वी गॉट वन मोल एज दिस वैल्यू, इवन यू कैन गो अहेड आल्सो फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट वी टेक दिस एज इन सिंपल दिस। अब आपको समझना क्या है आपके लेवल पे, 11 12th के लेवल पे क्या समझना है आपको? इतना ही समझना है कि एक मोल क्या है, एक नंबर है, एक मोल क्या है, एक नंबर है। डिटेल में हम जा सकते हैं पर आवश्यकता नहीं, बाउंसर हो जाएगा।
तो ये एक मोल बेसिकली एक नंबर है, इस नंबर को आपको देखो ये नंबर है भैया, और ये नंबर जो है किसी के लिए भी हो सकता है, जैसा एक डजन किसी के लिए हो सकता है वैसा एक मोल किसी के लिए भी हो सकता है। अब केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे एटम्स होंगे, आयन्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे और कुछ नहीं होंगे, ठीक है। आपने जबरदस्ती मुझे मोल कंसेप्ट के अंदर घुसाड़ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मोल वसूल करना पड़ेगा शायद। इससे पहले कि मोल कंसेप्ट में जाए, क्वेश्चन सॉल्व करे, कल हमने एटॉमिक मास मास वाला पढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ के हम थोड़ा मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं मोल कंसेप्ट में एंटर करूंगा। तो समय जा रहा है, मुझे टॉपिक खत्म करना आज का, बढ़ते हैं मैं आगे। अगला लिखिए मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास से भी आप बोल सकते हो एक नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है और एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसके नाम से कॉल्ड एज मोलर मास। तो व्हाट इज इन जनरल मॉलिक्यूलर मास? मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं बोलूं मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल से क्या होगा? मोलर। नहीं अरे दोनों एक ही बात है, मॉलिक्यूलर मास को ही मोलार मास बोलते हैं पुत्र, मॉलिक्यूलर मास को ही मोलार मास बोलते हैं। पर जब आगे ग्राम ऐड कर दू ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मोलार मास या फिर ग्राम मोलार मास, देन दिस इज मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स। This is mass of one mole molecule. One molecule का mass molecular mass. एक mole molecules का mass gram molecular mass. एक atom का mass atomic mass. एक mole atoms का mass gram atomic mass. इसके difference समझिए। एक बात सोचो ना यार, अगर तुम ये बोलते हो, अगर आपको ये difference नहीं समझता है, अगर कोई मुझे ये बोलता है, मैं बोलता हूँ व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम, और मुझे क्या बोलता है, सोडियम का मास 23 ग्राम है, ऐसा लिखा रहता है, 23 ग्राम लेते हैं कैलकुलेशन में। तो अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द एटॉमिक मास सोडियम, आप वो 23 ग्राम बोलते हो, ठीक है, मतलब बेसिकली क्या बोल रहे हो आप, एक एटम का मास कितना है, 23 ग्राम है। एक तरफ से आप ये बोलते हो कि सोडियम के एटम का मास 23 ग्राम है, फिर किताब में आप ये पढ़ते हो क्या, एटम इज इनविजिबल? यस सर, एटम इनविजिबल है, बहुत छोटा है, एटम इज इनविजिबल, वेरी स्मॉल पार्टिकल, है ना, ऑल दिस थिंग्स यू बोलते हो। अगर बोचो कोई एटम 23 ग्राम का होगा, क्या वो दिखाई नहीं देगा? देगा। आप गोल्ड पता है, गोल्ड सोना, हाँ सर, पहनते होगे ना कान में, नाक में, हाँ, गले में, पैर नहीं, में, सर। हाँ, में, सर। अरे मैंने सुना तो कल्पना है, घर पे ना सोना का काना है, गोल्ड माइन, उतना गोल्ड है। नो सर। कल्पना अपने बालों में भी गोल्ड लगाती, बालों में गोल्ड, नाक में गोल्ड, मुंह में गोल्ड, सब जगह गोल्ड ही गोल्ड। किसी को चाहिए देखना है गोल्ड तो जाना कल्पना है घर पे। ऐसा नहीं पहनते, नहीं बॉयज तो वैरागी होते हैं, है ना सर। तो गोल्ड आप जानते हो, जब गोल्ड आप परचेस करते हो, आपको पता है ना एक तोला गोल्ड, ऐसा बोलते हैं ना, एक तोला गोल्ड, दो तोला गोल्ड। यस सर। एक तोला मतलब कितना गोल्ड होता है उसमें? 10 ग्राम। हाँ, 10 ग्राम होता है, एक तोला गोल्ड में 10 ग्राम होता है। तो क्या 10 ग्राम, जब कोई एक तोला गोल्ड, देखो बहुत लोग गर्ल्स को पता होगा जो कानफूल पहनते हैं वो बहुत कम तोला का होता है ना, इवन पाव तोला आधा तोला में हो जाता है ना कानफूल, होता है ना। और कभी कभी तो कुछ लोग इवन एक ग्राम गोल्ड भी लेते हैं, है ना, एक ग्राम गोल्ड के छोटे बच्चों के लिए एक ग्राम, दो ग्राम, तीन ग्राम गोल्ड का ही पतला पतला है ना बन जाता है। तो सोचो अगर एक ग्राम गोल्ड को आप देख सकते हो, एक ग्राम गोल्ड का ये भी आता है सिक्का, है छोटा सा पतला सिक्का रहता है, वन ग्राम गोल्ड। तो एक ग्राम गोल्ड अगर दिखाई देता है, आप पकड़ सकते हो, देख सकते हो, क्या आप 23 ग्राम के सोडियम के एटम को नहीं देख सकते हो? देख सकते हैं सर। फिर आप ऐसा क्यों बोलते हो? देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है ना, कि आप ये बोल रहे हो एटम इज इनविजिबल,
एक तरफ से बोले एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम, मतलब एक एटम सोडियम का मास 23 ग्राम है, फिर बोलते हो एटम को आप देख नहीं सकते हो। Who will answer my question? कौन मेरे प्रश्न का उत्तर देगा? सर वो कार्बन के एटम क्या? सर वो मोल का मास है, यूनिफाइड मास यूनिट्स में वो। सर ये 23 ग्राम जो है ना उसका मतलब क्या है? अभी डिफरेंस मीनिंगफुल आ रहा है ना? अभी आपको लग रहा है मीनिंगफुल मास है? डिफरेंस आप पढ़ रहे हो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में डिफरेंस समझने का मीनिंग समझ रहे हो आप? सर ये जो 23 ग्राम है ना वो एक एटम का मास नहीं है सर, है ना? कोई बोल रहा था सर एक एटम का मास नहीं है, किसका मास था ये? एक मोल एटम सोडियम एटम्स का मास है सर 23 ग्राम। एक मोल मतलब 6 × 10⁻²। इतने सारे सोडियम एटम साथ में आएंगे तब दिखाई देंगे सर, पर दिखाई तब 23 ग्राम के हो सकते हैं। अगर आप कोई पूछे एक सोडियम एटम का मास क्या है ग्राम में, मुझे तो AMU नहीं समझता है ना, यू मुझे समझता नहीं है। AMU हमने सुना है क्या कभी? नो सर, रियल लाइफ में यूज करते ही नहीं है भाई, मुझे समझता नहीं है कौन सी यूनिट्स है। मुझे ग्राम बताओ, आई वांट इन ग्राम। बताओ एक सोडियम एटम का मास ग्राम में क्या है? मैं क्या बोलूंगा भाई, एक मोल सोडियम एटम का जो मास है कितना है? 23 ग्राम। तो एक मोल मंजे दिस मेनी सोडियम एटम्स का ग्राम 23 ग्राम। तो एक सोडियम एटम का मास क्या होगा? 23 / 1 मोल। यस सर। दिस विल बी हाउ मच? 6 × 3 = 18, बैलेंस 5 = 6, 10⁻²³, 6 9 सा होगा, 8 सा × 10⁻²³ ग्राम्स। मतलब 0.00000000000 कितना जीरो? आई जीरो 23 0.22 उसके बाद 38 ग्राम्स। अगर भाई इसमें 0.22 लगा दे तो क्या वो नाक के बराबर हो जाएगा? यस सर। हाफ तो अप्रोक्सीमेटली बोलोगे ना, हाफ तो अप्रोक्सीमेट जीरो। अगर मैं बोलता हूँ मान लीजिए अपना सोहेल जो है, सोहेल ना, सोहेल सर, ये स्पेलिंग बराबर है क्या? हाँ सोहेल। सोहेल यू आर इस्लाम फॉलोअर? यस सर। मान लीजिए सोहेल जो है ईद के दिन मुझे घर बुलाता है, किसके लिए बुलाता है, क्या पीने के लिए? व्हाट इज दैट? शेर कुर्मा। हाँ शेर कुर्मा मैं हर साल पीता हूँ। तो सोहेल ने मान लीजिए अगले साल घर बुला दिया मुझे ईद में क्या शेर कुर्मा पीने के लिए, बुलाओगे नहीं बुलाओगे? बुलाएंगे सर। और सोहेल ने मुझे बुलाया सर आज, मैं बोलता हूँ सोहेल उतना पक्का नहीं है पर आने की कोशिश करता हूँ। सोहेल बोले सर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर कमिंग? आई विल से यू नो, मैं आपको सोहेल को बोलता हूँ प्रोबेबली 3 × 10⁻²³% प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारे आ सकता हूँ मैं। तो सोहेल क्या बोलेगा? सर मतलब नहीं आओगे। सिंपल सी बात है ना सर, नहीं आओगे बोलने के लिए आप। है ना, डायरेक्टली बोलना नहीं आओगे, क्यों भाई ऐसा कौन सा लगे बोलने का? 10⁻²³% तुम बोल रहे हो नहीं आओगे, सिंपल सी बात है, नहीं आओगे बोलो, क्यों कौन सा लगे बोल रहे हो, ये समझोगे ना? हाँ तो यही बात हो गई है, जब इतना ग्राम का एक सोडियम एटम हो तो एकदम ना के बराबर तब मीनिंगफुल लगता है ना। हाँ भाई सोडियम एटम बहुत ही छोटा है, ये इनविजिबल हो सकता है, राइट? हाँ सोडियम एटम, एटम इज इनविजिबल बराबर, क्योंकि इतना छोटा एटम जो ना के बराबर है दिखाई नहीं देगा। हाँ नाउ इट मेक्स सेंस टू मी, नाउ इट मेक्स सेंस। इज इट मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? यस सर। एटॉमिक मास में और ग्राम एटॉमिक मास में बहुत अंतर है, दोनों शब्द में एटॉमिक मास ही है पर बोलने में भी अंतर है, उस मीनिंग में भी अंतर है, दो नंबर सेम है, ठीक है ना, बहुत उसमें डिफरेंस है। वो थ्रेड लाइन डिफरेंस को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, वो बहुत मीनिंगफुली डिफरेंशिएट करता है। वैसे ही मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब एक ही मॉलिक्यूल का मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास, ठीक है। परंतु अभी एक ये सब मैंने समझाने के बाद एक बात बोलता हूँ, सुनिए,
क्या करे, दो हम इंटेलिजेंट है, आप सब इंटेलिजेंट है, आप समझते हो, क्या समझते हो सर? मोलार मास एंड ग्राम, मोलार मास में जमीन आसमान का फर्क है, अंतर फर्क है, फर्क है, ये आप समझते हो, मैं भी समझता हूँ, पर क्या करे, उसके बावजूद भी केमिस्ट्री कैसा हो गया है ना आगे किताबों के अंदर इस तरह से आज यूज किया जा रहा है इस सब शब्दों को, कि वो जब मोलार मास बोलते हैं ना, दे रेफर टू ग्राम मोलार मास। बहुत जगह पे किताबों के अंदर जो ऑथर्स है वो ग्राम मोलार मास शब्द प्रयोग नहीं करते, ठीक है, वो मोलार मास ही बोलते हैं, मॉलिकुलर मास ही बोलते हैं, पर जब मॉलिकुलर मास बोलते हैं दे एक्चुअली रेफरिंग टू ग्राम मॉलिकुलर मास, बिकॉज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम लेते हैं, ठीक है ना, वी टेक इन टर्म्स ऑफ ग्राम, बिकॉज जो भी हम रिएक्शंस करते हैं वी कैन नॉट डू रिएक्शंस फॉर वन और टू मॉलिक्यूल्स, नॉट फॉर 10 एंड 15 एटम्स, वी डू जब हम रिएक्शंस करते हैं उसमें मोल्स में होते हैं, जैसे कोई रिएक्शन होता है ना, मान लीजिए H2 plus Cl2 gives 2HCl. अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन रिएक्ट कर रहे हैं और दो मॉलिक्यूल ऑफ HCl, ये बात सही है, ऐसा कुछ गलत नहीं है इसमें, ऐसा सही है, परंतु प्रैक्टिकली हम एक एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करते नहीं बैठते हैं ना, व्हेन वी टेक इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इसका मीनिंग ये रिएक्शन का कि एक मोल H2 एक मोल Cl2 रिएक्ट करके देंगे दो मोल HCl, वी टेक ऑल इन टर्म्स ऑफ मोल्स, हम ह्यूज क्वांटिटीज में करते हैं हम सब मोल्स में करते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पे हम रिएक्शंस नहीं करते, तो उसी जनरली हम जो यूज करते हैं वो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही है जो यूज करते हैं, परंतु बोलते वक्त क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं और मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? जब मैं आगे से एटॉमिक मास बोलूंगा मैं पूछूंगा एटॉमिक मास सोडियम क्या है, सही मायने में वो क्या है, 23U, ये सही मायने में, परंतु बहुत बार हम देखते हैं आगे हमें पढ़ते रहेंगे तो हम बोलेंगे एटॉमिक मास क्या है, 23 ग्राम बोलना पड़ेगा, 23 ग्राम बोलना पड़ेगा, तो क्या समझने का, अब बोले बोले एटॉमिक मास बोल रहा हूँ पर मीनिंग क्या है, मैं ग्राम एटॉमिक मास को रिफर कर रहा हूँ, ऐसा करना पड़ रहा है बिकॉज ऑप्शन नहीं, बिकॉज केमिस्ट्री पूरा ऐसा हो गया, क्या करें, जिस प्रकार से इन रियल लाइफ आप क्या बोलते हो जी, क्या बोलते हो आप, कुछ नहीं बोलते हो, आलोक, आलोक, यस सर, आलोक, यस सर, कितना है, 20 ग्राम नो सर, फिर 45 kg, आपको क्या लगता है, क्या आलोक का जवाब सही है, नहीं सर, नहीं सर, ये सही भी है और गलत भी है ना, हाँ सर, अगर आप भाई कंसेप्ट बात करोगे, भाई कंसेप्ट रियलिटी बात करेंगे तो आलोक गलत बोल रहा है, बिकॉज द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, न्यूटन, द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन नॉट केजी, केजी इज द यूनिट ऑफ मास, एक्चुअली आलोक क्या बोल रहा है, मास बोल रहा है ना, ही इज सेइंग मास, पर जब उसको ने वेट पूछा तो वो जानता है कि रियल लाइफ में लोग कोई मास बोलता ही नहीं है ना, हैव यू एवर सीन पीपल आस्किंग यू व्हाट इज योर मास, नो सर, नो सर, वेट, इवन जो गवर्नमेंट के फॉर्म होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, वहां भी वेट ही बोलते हैं ना, वो कहीं भी मास शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, सब जगह वेट वेट ही बोलते हैं, पर लिखते किसमें, इन टर्म्स ऑफ केजी, पर क्योंकि आप फिजिक्स के छात्र हो तो आप जानते हो वेट का यूनिट केजी नहीं है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर, यस सर, तो वेट का यूनिट जो है केजी नहीं होता है, वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, वेट इज ए फोर्स, वेट एक फोर्स है, पर उस वेट जो फोर्स है उसको रियल लाइफ में हमने फोर्स की तरह देखते नहीं है, हम मास को ही वेट समझते हैं, है ना, यस सर, जो मास है उसको हम क्या समझ लेते हैं, वेट समझ, ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है जिसको मतलब सदियों से लोग यूज करते चल रहे हैं, तभी चल रहा है ऐसे ही, समझ, इट बिकेम अ हैबिट टू अज्यूम मास टू बी अ वेट, बिकॉज ऑफ हैबिट इवन टुडे
we are using weight only, though it is not weight, it is mass. उसी प्रकार से यहाँ भी केमिस्ट्री के अंदर भी है ना, जब हम एटॉमिक मास बोलते हैं क्या समझ रहे हैं आपको, ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसे ही बोल देते हैं हम, एटॉमिक वेट बोलते हैं, एटॉमिक वेट मतलब क्या, मास को ही वेट बोल रहे हैं यहाँ पे हम, मास को ही वेट बोल रहे। तो जोश में आके आप कंसेप्ट पता है, उसी लिए आप एटॉमिक वेट पूछा तो आप डोंट से न्यूटन, ठीक है। तो केमिस्ट्री में कोई भेदभाव नहीं है इधर, तो ये गलत है फिर भी हम कुछ नहीं करते हैं, सदियों चलता आ रहा है, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर एट सेम टाइम आपको उसका एक्चुअल मीनिंग पता भी होना चाहिए। बताओ आलोक, फिर से पूछता हूं मैं, अब नाउ प्रीवियसली आपने जवाब दिया एज ए कॉमन मैन है ना, अब मुझे जवाब दो एज ए साइंस स्टूडेंट, व्हाट इज योर वेट? 45 न्यूटन। फिर से गलत, 450 न्यूटन। करेक्ट, 450 न्यूटन, because weight is equal to my what, mg na? Yes sir. Weight is mass into gravitation acceleration. Yes sir. And g ko generally hum 10 mante hain, though it is 9.8 dash dash something, but we take it as 10 meter per second. Tumhara mass kitna, 45 kg hai, hai na, into g is 10, this will be 450 newton. So your weight is 450 newton. You got the point, Alok? Yes, sir. Yeah. Acha, jo aap ye hota hai na, kya bolte hai? When you go doctor, you have something like this. Kya? Tum kade hote hai iske upar. Weighing machine. Kya bolte hai? Weight machine. Weight machine, na? Weighing machine. Oh, weighing machine. Yeah, weight machine. Jo bhi bolo. हाँ. So, यहाँ आपको क्या दिखता है, वेट दिखता है कि मास दिखता है? मास। 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 वेट मशीन क्यों बोलते हो? मास मशीन बोलना चाहिए ना आपको? यस सर। तो आगे से आप क्या बोलेंगे? हाँ, आदत पड़ेगी। जैसे आप वेइंग मशीन बोल, आप ये पहले ही कर चुके हो सर। हाँ हाँ, आपने पहले ही बताया, मतलब हम लोग ये मशीन जाके शॉप पे खरीद के भी आ गए। अच्छा, हम लोग ने शॉपकीपर का मास मशीन बोला था, उसने दिया नहीं। पता है इसका नाम वेइंग मशीन एकदम सही है, गलत नहीं है। आपको गलत लग रहा है ना, आपको लग रहा है इसका नाम मास मशीन होना चाहिए, नहीं, वेइंग मशीन बराबर है। ये वेट ही मेजर करता है, ये वेइंग मशीन है। जब कड़ा, जैसा अतरवा है ना, अतरवा, सॉरी, अतरवा को कहाँ से आ गया, अतरवा को, हाँ सर, जैसे ये अतरवा है, ठीक है, अतरवा जब कड़ा है ना, ये जो मशीन है ना, इसका वेट ही मेजर करता है। मशीन ने मेजर किया, ये अंदर की बात है, देखो मैं बता नहीं रहा हूँ, बाहर की बात अलग है, अंदर की बात क्या है, ये मशीन इसका वेट मेजर करता है, मतलब क्या, ये इसमें कड़ा हुआ ना, इज अप्लाइंग ए फोर्स, इज अप्लाइंग ए फोर्स बेसिकली, तो फोर्स मेजर किया उसने, नॉर्मल फोर्स उसने अप्लाई किया, कड़ा है एकदम स्ट्रेट, उसका फोर्स उसने मेजर किया और उसको मिला मान लीजिए 500 न्यूटन, ठीक है, ये उसने वेट मेजर कर लिया। फिर ये मशीन क्या करता है, इसमें जो रीडिंग्स है ना, वो रीडिंग्स आर डिवाइड बाय 10 कर देता है, जो रीडिंग है ना, अगर 500 अगर उसका वेट उसने मेजर किया तो आपको दिखाएगा 50, क्या दिखाएगा आपको, 50। तो ये जो स्केल है इसका, वो स्केल ऐसे एडजस्ट किया है कि वो डिवाइड बाय 10 कर देता है, डिवाइड 10 के क्या मिलेगा आपको, मास मिलेगा ना फिर सर। तो मेजर करता है वेट पर बताता है आपको मास, मास, तो उसका नाम बराबर है वेइंग मशीन। समझ में आएगी आपको? Yes. वेट और मास, वेट और मास, वेट और मास, ये स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए, परंतु ये पता होना चाहिए रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं दोनों बात। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत कंसेप्ट हो गए। क्या आपने मॉलिकुलर मास और ग्राम मॉलिकुलर मास क्या लिखा क्या? यस सर। क्या मॉलिकुलर मास को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, जब मुझे कोई पूछता है व्हाट इज द मॉलिकुलर मास या मॉलिकुलर वेट ऑफ H2O, कैसे निकालता हूँ मैं? मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लेता हूँ, इसका एटॉमिक मास 1 है, 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है,
16 है, मैं बोलता हूँ कि 18 ग्राम्स उसका मॉलिकुलर मास, ठीक है? तो बेसिकली क्या मॉलिकुलर मास ऐसे बोल सकता हूँ, इट इज द समेशन समेशन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल. Is this definition right? Yes, sir. Yes, sir. इसको ऐसे ही बोलते हैं, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यही यूज करते हैं. जितने भी एटम इस मॉलिक्यूल में, सभी के एटॉमिक मास को आप ऐड करोगे तो मिलेगा आपको मॉलिक्यूलर मास. The heading. वेपर डेंसिटी. सर प्रीवियस स्लाइड देखा है ना? सर. हाँ जी सर. मॉलिक्यूलर मास ग्राम में होगा. ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है ना? यस सर. ग्राम मॉलिक्यूलर मास अभी मैंने बताया ना जस्ट नाउ कि जब भी आगे से हम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे तो वी रेफरिंग टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और जब भी आगे से हम एटॉमिक मास बोलेंगे वी रेफरिंग टू ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है, ये assumption को लेके आगे हम चलेंगे. तो हमको पता है दोनों का मीनिंग अलग अलग है, फिर भी ये assume करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि ऐसा ही है केमिस्ट्री. ओके सर. ठीक है. या हे कृष्ण. वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी इज गिवन बाय लाइक दिस. यू कैन इट इज वेट ऑफ वी volume of any gas upon weight of V volume vapor density कोई वेपर डेंसिटी कैसे निकाल. डेंसिटी जानते हैं कि आप क्या है? अरे डेंसिटी क्या पता है कि नहीं पता है? यू नो डेंसिटी? यस सर. मतलब डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम. मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इज मास अपॉन डेंसिटी. का और क्या मीनिंग है? डेंसिटी को और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? हैव यू हर्ड पॉपुलेशन डेंसिटी? यस यस सर. अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स या फिर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स. कितना डेंसली पैक्ड है, कितना स्पार्सली पैक्ड है. मान लीजिए ये पुणे है, इसका एरिया है 10 स्क्वायर फीट का, और मान लेते ये नगर है, इसका भी एरिया है 10 स्क्वायर फुट. ठीक है, और ये पुणे में जो है ना इतने एरिया में रहते हैं अथर्व और उसकी सर बहन. ठीक है बहन. अरे बहन मजा नहीं आता है यार. नहीं सर. अच्छा ठीक है. और ये नगर है. हम लोगों ने सुदीप्त सर की क्लास में बहुत मजे कर लिए सर, बहुत हो गया. किसके क्लास में? सर हम सुदीप्त सर. अच्छा, अब ये नगर है, मान लेते नगर में मैं रहता हूँ, मैं मेरी वाइफ और हम दो, हमारे तीन. ठीक है. ठीक है, हम पांच रहते हैं. दोनों के एरिया सेम है ना?
बता दोनों में से नगर और पुणे में कहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है? सर नगर के वहां पे मतलब क्या नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया यहाँ पे ज्यादा है। अच्छा अब बताओ ये पुणे है यहाँ पे 10 लोग रहते हैं और यहाँ पे एरिया जो है 100 स्क्वायर फुट है। ये नगर है यहाँ 5 लोग रहते हैं यहाँ का एरिया है 20 स्क्वायर फुट का। अब बताओ कहाँ का डेंसिटी ज्यादा है? पुणे की नगर नगर। अरे यहाँ 10 लोग रहते हैं यार यहाँ से 5 ही लोग है सर एरिया बड़ा जगह भी तो है ना छोटा है आप लोग है तो पर स्क्वायर फुट निकालो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे पुणे का व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पुणे व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पुणे बताओ 10/100 10 पर 10 स्क्वायर फुट 0.1 ना हाँ सर वही 0.1 इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पुणे व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ नगर 1/4 डेंसिटी है या फिर नंबर से भी हम डेंसिटी को बोलते हैं ठीक है ना नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है आयंस ज्यादा है तो हम बोलेंगे डेंसिटी क्या है ज्यादा है। जैसे आप बोलते हैं ना ये फॉरेस्ट बहुत डेंस फॉरेस्ट है बोलते कि नहीं बोलते यस सर ये बहुत डेंस फॉरेस्ट है मतलब क्या यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है बहुत नजदीक नजदीक है मतलब पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ ट्रीज आर मोर अरे उतना डेंस फॉरेस्ट नहीं है बहुत खुला जगह यहाँ पे है ना बहुत एक पेड़ यहाँ एक पेड़ दूर दूर है उतना डेंस फॉरेस्ट नहीं वो फॉरेस्ट बहुत डेंस फॉरेस्ट है वहां नजदीक नजदीक पेड़ है मतलब पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ पेड़ ज्यादा है। तो पहले डेंसिटी को समझ लो है वो डेंसिटी है फ्यूचर में काम आएगा समझेगा वो कहां काम आएगा ये सारे बातें। अब यहाँ पे क्या है वेपर डेंसिटी है हम वेपर के बारे में बात करते हैं तो वेपर डेंसिटी जनरली हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू सम गैस लिया जाता है तो इन जनरल वी टेक विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन किसी वेपर का हम डेंसिटी लेते हैं ना वेपर डेंसिटी ऑफ एनी वेपर जो वॉट एवर गैस यू टेक एक्स गैस यू टेक देन डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज वेपर डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस रिमेंबर दिस वेपर डेंसिटी ऑफ सम एक्स गैस विल बी डेंसिटी ऑफ दैट एक्स गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इट इज रिलेटिविटी डेंसिटी क्या है उस अगर मैं बोलता हूँ डेंसिटी ऑफ ये गैस क्या है मैं बोलूंगा उस गैस का मास अपॉन उसका वॉल्यूम वो उसका डेंसिटी है और वेपर डेंसिटी इज रिलेटिव वर्ड इट इज विथ रेस्पेक्ट टू समबडी एल्स इट्स रिलेटिव डेंसिटी आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज ए रिलेटिव डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन डेंसिटी क्या है वो है वेपर डेंसिटी क्लिक हो रहा है तो डेंसिटी ऑफ द गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस वेपर डेंसिटी एंड मॉलिकुलर मास डायरेक्टली दैट आल्सो विल से ये वेपर डेंसिटी इक्वल टू हमने क्या बोला डेंसिटी ऑफ जो भी गैस है अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन और इनिशियल हमने देखा ये फॉर्मूला में क्या बता रहा है वी वॉल्यूम गैस क्यों हमने यहाँ वेट अपॉन वेट लिया बिकॉज दोनों का वॉल्यूम सेम है ना दोनों का वॉल्यूम सेम है कैंसिल हो जाएगा है ना मास ऑफ दिस गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दिस बोथ वॉल्यूम्स आर जनरली इक्वल दोनों इक्वल होना चाहिए इक्वल के कैंसिल हो जाएगा ना तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ दिस गैस अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन मास या वेट या दोनों एक ही बात है केमिस्ट्री में बताओ मास को मैं कैसे लिख सकता हूं मास मतलब यहाँ पे
मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बेसिकली वन मोल ऑफ गैस का मास या वन मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास। दिस मास ऑफ गैस इज बेसिकली मास ऑफ वन मोल ऑफ दैट गैस। या फिर वन मोल नहीं है, अगर मोल हमको पता नहीं है, मॉलिक्यूलर मास नहीं, गिवन मास है, तो फिर उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे से n मॉलिक्यूल उसके अंदर, n मॉलिक्यूल्स इनटू वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, वेट ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ गैस, वो उसका पूरा मास होगा। वैसे नीचे भी n इनटू वेट ऑफ वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हे कृष्ण। क्या मैं यहाँ पे एन एन कैंसिल हो जाएगा ना? यस सर। वेट ऑफ वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैन आई राइट लाइक दिस, टू इनटू वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, बिकॉज एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम होते हैं ना? यस सर। This is vapor density. So vapor density equal to formula kya hoga? Vapor density is equal now to atomic mass. Now weight of one hydrogen atom is what? One only, na? Yes, sir. One. This is weight upon two. Hai na? Weight of that particular gas upon two is vapor density. है ना? है कि नहीं? Yes sir. The molecular mass of that gas divided by two. तो ये फॉर्मूला से ना फॉर्मूला आया है, ठीक है ना? वो जो मॉलिक्यूलर मास से फॉर्मूला आया ना, मैं डेरिवेशन कर रहा था, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बता रहा था आपको, इसी फॉर्मूला से वो फॉर्मूला आता है। बिकॉज अगर इसको भी आप ये एक एक एटम लिया, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया, अगर दोनों का मल्टीप्लाई एन ए से है ना, you multiply with Na, so one mole ke liye ho jayega, it will come for one mole, then one mole hydrogen ka mass bhi one hi hai, 1 gram, one ho jayega, and Na se multiply kiya isko, to kya hoga? One mole molecules ka mass, matlab kya? Molecular mass, so hum isko bol sakte hain molecular mass upon 2, so ultimately what we understand is 2 into vapor density is equal to molecular. Sir, वो एन ए एवोगाड्रोज नंबर था ना? हाँ जी, वो एन ए एवोगाड्रोज नंबर था ना? हाँ, एन ए इज बेसिकली एवोगाड्रोज नंबर, व्हिच इज 6 × 10⁻³, जो मोल बना ना हमने, मोल वो मोल का वैल्यू। याद है किसी को शंका? सर डेरिवेशन है, डेरिवेशन आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं भी आया तो कोई भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मुद्दा फॉर्मूला है, और डेरिवेशन मैंने इसलिए बताया, अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन में अगर आप गलती से आईआईटी एग्जाम देते हो, अगर वहां पे ऐसा बोल देता है कि वेपर डेंसिटी आपको नहीं चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, यू वॉन्ट वेपर डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, तो क्या सेम फॉर्मूला यूज करेंगे आप? Yes. No, is this formula applicable? No. Yes, this formula is applicable when it is with respect to hydrogen. अगर वो बोलता है मुझे formula चाहिए with respect to oxygen, तो क्या करते हैं हम? अब इस formula में यहाँ जो weight of hydrogen atom है ना, यहाँ क्या हो जाता है? ये last वाला important, last भी याद रखते हैं, बाकी सब same ही रहेगा। यहाँ weight of one hydrogen atom लेके आ जाएगा one oxygen atom, and weight of oxygen atom is 16. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m by
32 है ना, वेपर डेंसिटी विल बिकम m अपॉन 32 इफ यू टेक विथ रिस्पेक्ट टू O2 गैस. फॉर्मूला इज चेंजिंग. तो आपको जो है ना, अगर ऐसा कोई किसी ने क्वेश्चन पूछ भी लिया विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन क्या है, क्लोरीन क्या है, तो आपको उसका फॉर्मूला खुद क्रिएट करते आना चाहिए. ऐसा नहीं किताब में एक ही फॉर्मूला दिया है. किताब में क्या दिया जी, वेपर डेंसिटी इक्वल टू m बाय 2, ये पढ़ लिया बस. That's okay, because maximum इससे सॉल्व हो जाते हैं. पर कभी ऐसा आ गया तो IIT में चांस है, बस बाकी जगह नहीं चांस है. नीट और मेंस में प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि वैसा घुमा के क्वेश्चन पूछे, पर IIT वालों को भरोसा नहीं है. तो वहां पे आपको थोड़ा वो कंसेप्ट पता होगा तो इजी है ना, जस्ट नो इट. बट इज मेन इम्पोर्टेंट, यू गॉट इट हाउ टू मॉडिफाई? यस सर, यस सर. ये सिंपल है. आप अगर पूरा डायरेक्शन याद भी नहीं ना, ऐसा रखो आप ध्यान में, M फिक्स है. अगर मुझे हाइड्रोजन बोला है, क्या करूंगा मैं विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन? H2 में कितने एटम है? दो एटम है. व्हाट इज द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम? वन. हाँ, वन. Name you. मुझे ऑक्सीजन बोला है, कितने एटम है ऑक्सीजन में? दो. दो. व्हाट इज द मास ऑफ वन ऑक्सीजन? 16. मुझे क्लोरीन बोला है, दो. कितने एटम है यहाँ पे? दो. मास ऑफ Cl इज 35. ऐसे आप वेपर डेंसिटी रिलेशन निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एनी गैस. बट मुख्य तरीके से यहाँ पे जब भी हम वेपर डेंसिटी बोलते हैं तो वहां पे विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आपको स्पेसिफाई नहीं करेगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो है ना विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ही होता है. वेपर डेंसिटी मीन्स विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, वहां स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं है. तो वी what we saw the formula now, 2 into vapor density equal to m, yeah, vapor density equal to m by 2. ये आप याद रखिए, प्लीज नोट कर लीजिए, याद रखिए और कंसेप्ट फॉर्म में आगे रहेगा आपको कैसे करने का. डन. के आगे बढ़ूं क्या मैं? परमिशन है तो आपका? यस सर. यस, थैंक यू फॉर गिविंग परमिशन. हां, जैसा मैंने यूज किया एवोगाड्रोस नंबर, जो ये 6×10^23 नंबर में बोल रहा हूं, वन मोल बता रहा हूँ आपको. दिस इज कैन सर. पिछले एग्जांपल में m मॉलिक्यूलर मास था. हाँ जी, बिल्कुल सही. मॉलिक्यूलर मास मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बेसिकली इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स. गुड, नेक्स्ट स्टडी मेथड्स ऑफ एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, एक ही बात है. मास वेट सेम थिंग इन केमिस्ट्री. कुछ और फॉर्मूले देखेंगे यहाँ पे हम. पहला है डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ. अकॉर्डिंग टू this law, that ordinary, likhiye pehle, ek ordinary temperature the atomic heat of a solid element is a product of atomic
नोट किया आपने? यस सर। सर यस सर। ये लॉग के आंसर बोलते हैं कि जो एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट है, जो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इनटू द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट एलिमेंट is approximately equal to 6.4. तो अगर आपने किसी प्रकार से उस एलिमेंट का स्पेसिफिक हीट निकाल लिया तो उसका एटॉमिक मास अपने आप निकल जाएगा। अच्छा, क्या आपको स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या पता है? क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं पता है तो लिख लीजिए उसको। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ एन एलिमेंट बाय 1 डिग्री सेल्सियस वो भी 1 ग्राम का। वेरी गुड वेरी गुड। सबको पता है क्या? पिछले साल बताया था। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू रेज द temperature by 1 degree celsius. एक डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को हीट बढ़ाने के लिए कितना मास को आपको जलाना पड़ेगा और उसे हीट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो क्या है? स्पेसिफिक हीट कहलाता है। अगर उस एलिमेंट का आपने स्पेसिफिक हीट किसी तरह से निकाल लिया तो डोलाफिट लॉ बोलता है कि फिर आप उसका ये इतना अप्रोक्सीमेटली होता है वो उनका एक्सटेंड कहता है, तब तो उसका एटॉमिक मास आराम से निकाल लोगे। तो ये जो फॉर्मूला है ना वापस उसकी याद रखना है बस। तब अगर कोई क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है तो बस डायरेक्टली पूरा निकाल दीजिए। निकाला क्या? यस सर। सर स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन में दिया होगा ना? हाँ, क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक हीट दिया रहेगा और पूछेगा एटॉमिक मास क्या है, या फिर आपको एटॉमिक मास दिया रहेगा और स्पेसिफिक हीट पूछेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए कोई सॉल्व करने। This method is applicable to find atomic weight non-metals only. Thank you.
Noted? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. सर मतलब ये सारे नॉन मेडल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा? नहीं, सिर्फ कुछ नॉन मेडल्स के लिए. जैसे दिया आपने फेमस. ये उतना इम्पोर्टेंट मतलब नहीं, क्वेश्चन नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ना कहीं पूछा है, फिर भी जस्ट बता रहा हूँ. एग्जांपल्स क्या थे? एग्जांपल्स? हाँ, एग्जांपल्स क्या थे सर पिछले बार? ओके सर. ओके सर, यू कैन मूव. ये फॉर्मूला सब निकालते हैं. एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इन वन मोल ऑफ ईच कंपाउंड इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड व्हिच यू कैन फाइंड बाय मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी. कंसीडर ने वैसे किया था, इनटू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन. This formula is the Canizaro's method, but this formula is not yet in use currently. मतलब हम use नहीं करते हैं, ना ही normal numericals में पढ़ते वक्त अभी, ना ही exam में कभी आया है. पर आप जान सकते हो, in future कभी आ गया तो आप याद रखें. But जो पहला formula है ना 6.4 वाला, yes sir, वो आ चुका है पहले, ठीक है ना? वो exam में आ चुका है, फिर वैसे रखें. कंपलसरी पढ़ना है. चला बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट के बारे में, वही इक्विवेलेंट मास. एटॉमिक मास पढ़ा हमने, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, बात करेंगे इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट. What is equivalent mass? Equivalent weight. Equivalent mass. Molar mass upon valency factor. It is the ratio of molecular mass या फिर atomic mass upon valency factor. अब क्वेश्चन उठता है कि वैलेंसी फैक्टर क्या है? ये वैलेंसी फैक्टर क्या जानते हो आप? मुझे पता नहीं है. जानना चाहते हो? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. लेट अस सी, ये वैलेंसी फैक्टर किसके लिए क्या है? सबसे ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बात है, सबके लिए सेम नहीं है. फॉर डिफरेंट पीपल इट हैज डिफरेंट डेफिनेशंस. सो लेट्स सी वन बाय वन. सबसे पहले बात करते हैं एटम्स के बारे में. जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं उनके लिए वैलेंसी फैक्टर क्या है? न्यूट्रल एटम्स के लिए वैलेंसी फैक्टर नथिंग बट वैलेंसी. एक एटम का वैलेंसी ही उनका वैलेंसी फैक्टर है. जैसे बताओ, कोई बोलता है व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ सोडियम, मैं पूछूंगा व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम? 1. सोडियम का वैलेंसी 1, वैलेंसी फैक्टर भी 1 होगा. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम? 2.
तो इसके वैलेंस बेटर भी टू होगा. तो एटम्स के एलिमेंट्स के उनका वैलेंसी फैक्टर ही सॉरी उनका वैलेंसी ही उनका वैलेंसी फैक्टर कहलाता है. आपका वॉल्यूम अचानक से कम हो गया. क्या हो गया? आवाज कम आ रही है सर आपकी. सर नहीं आपकी तरफ से कम आ रही है. यहाँ पे फुल है. क्या मैं अपना वॉल्यूम बटन बढ़ाऊं? हो गया अभी ठीक है. क्या आपको हर एक एलिमेंट का बैलेंस निकालना आता है? यस सर. क्या पारंगत थे उसके अंदर? मैं कोई भी एलिमेंट आपको बताऊंगा क्या आपको आप मुझे उसके बारे से बता देंगे टकाटक? हाँ जी हाँ जी फर्स्ट 20 के ही आते हैं. डी और एफ ब्लॉक का नहीं आता. तुमको नहीं पता है? अरे भक्ति को सब आता है. वन और टू. अब भक्ति से क्वेश्चन पूछो देखो कैसे आंसर करती है. देख किसी को सभी ठीक है. भक्ति व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ पोलोनियम? सर कौन सा कर रहे हो? पोलोनियम. पोलो भक्ति टकाटक बताओ. भक्ति हाँ चले गई क्या भक्ति? ठीक है शिवम बताओ. शिवम सर वो तो पहले से ही एब्सेंट है ना सर. वो आया ही नहीं क्या? नहीं सर शिवम नहीं उससे पहले वाली. कोई तो बताएगा कौन बताएगा बताओ. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ पोलोनियम? टू. फोर. टू किसने बोला? बफे. हाँ बफे नहीं सर साक्षी. साक्षी साक्षी ने बोला टू. टू होने का साक्षी क्या है? साक्षी बताओ तूने टू क्यों बोला? साक्षी तूने टू क्यों बोला? ऐसे ही बोला सर गलती से बोला शायद. हाँ क्या बोल रही? अच्छा फोर किसने बोला? फोर किसने बोला? सर आई एम गोइंग विद टू. यू आर गोइंग विद टू. मैंने बोला सर. आई एम न्यूट्रल. मैंने बोला यार फोर सर फोर. जिसने फोर बोला वो नाम बताओ अपना. आदर्श. आदर्श आदर्श जी बताइए आपने फोर क्यों बोला? सर मैं टू का रीजनिंग दे सकता हूँ. अरे भाई मैं आदर्श से बात कर रहा हूँ यार. दो बड़ी बात कर रहे हैं छोटों बीच में नहीं आना चाहिए. प्रतीक समझा. हाँ यार बोलते सर ऐसे लोग. पीरियोडिक टेबल देख के बोला मैंने तो. पीरियोडिक टेबल बोला सर. सबका अलग रीजन है सर. टेबल सेट आपके नंबर 84. देखिए जी सुन लीजिए आप सभी अभी ध्यान से ठीक है ना. अगली बार किसी ने आपको पूछा ना तो आपको 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने जवाब के ऊपर और कम से कम एफर्ट लेके बोलना चाहिए. उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल लर्न होना चाहिए. एस ब्लॉक तो लर्न होगा आपको. एस ब्लॉक का ग्रुप कितने ग्रुप होते हैं? दो ग्रुप होते हैं. Yes, sir. कौन सा ग्रुप वन और ग्रुप टू? ग्रुप वन में कौन होते हैं? ए ली ना टी रब से फरिया. जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना ये सभी का वैलेंसी सेम होता है. वो होता है वन. भले ही वो हाइड्रोजन हो लिथियम हो सोडियम हो पोटेशियम हो रुबिडियम हो सीजियम या फ्रांशियम
किसी का भी नाम किसी ने बोला, अगर आपको टेबल याद है, आपको पता है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, अगर ग्रुप वन का एलिमेंट है तो उसका वैलेंसी क्या होगा? वन ही होगा। पूरे ग्रुप का एक ही वैलेंसी होता है, एलिमेंट वाइज वैलेंसी नहीं होता है, ग्रुप वाइज वैलेंसी होता है। यस सर, ये पूरे ग्रुप का वैलेंसी वन होता है। ऐसे ग्रुप टू में कौन है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, हो गया ना हमारा चैप्टर ये तो ऑलरेडी। यस सर, यस सर, ऑलरेडी चैप्टर खत्म हो गया, उसके बावजूद तुम मुझे वापस करा रहे हैं। सर उसको बहुत टाइम हो गया ना सर। ओके, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर हो चुका है हमारा और तुम उससे वापस करवा रहे हो, तुम शर्म नहीं आती? सर याद नहीं है ना अभी। 13, 14, 15, 16, 17, तुमको याद होना चाहिए पूरा टेबल, फिर भी याद दिला जाता तुमको मैं। तो सेकंड सभी एलिमेंट्स का वैलेंस वेक्टर क्या होगा? 2 होगा। 13th रूम में कौन है जी? सर सब शॉर्ट हो गया रे, एक्चुअली थैला थैला। All the 13 group elements will have valency vector of, sorry, valency 3. Boron, aluminium, gallium, indium, thallium. मैंने तुमको पूछा उन्होंने, what is the valency of thallium? तुम क्या बोलोगे? 3. है ना? आपको उसका atomic number याद नहीं है, कोई गरज नहीं है उसके लिए। Valency बताने के लिए उसका atomic number की आवश्यकता नहीं है, उसके electronic configuration लिखने की आवश्यकता नहीं है। ग्रुप नंबर से हम वैलेंसी बोल सकते हैं। 13 ग्रुप मतलब उसका आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। 13, 1, 3 आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स वो देना पसंद करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए मुश्किल है। 3 दे रहा है उसी के वैलेंसी उसका 3 है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। 14 ग्रुप कहे शिवजी कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड ऑल ऑफ देम हैव वैलेंसी ऑफ 4। 15 ग्रुप नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बेकार, वैलेंसी क्या है इसका? 3, 5 नहीं है, इट हैज 5 एलिमेंट है ना, के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना पसंद करेगा। वैलेंसी कैन नेवर बी greater than 4, maximum 4 है। It will go 1, 2, 3, 4, वापस से 3, 2, 1 आएगा। 16th group, old style से पिटोगे तो पिटोगे, ठीक है? तो ये पिटोगे कौन है? यही है पोलोनियम। Oh no. 16th group, उसके outermost shell में 6 electrons है, वो 2 electrons लेना पसंद करेगा, इसका valency 2 है। तो 16th group के हर एक element का valency क्या है? 2 है। पोलोनियम का क्या होगा? पोलोनियम का 4 होगा, सर 2 होगा, 2 होगा। जब पूरे फैमिली का 2, उसका भी 2 ही होगा ना? यस सर, वो पूरी फैमिली वैलेंसी एक ही है, 2 पूरा ग्रुप सेम रहता है। फिर कल पोलोनियम के बाद भी एक एलिमेंट है ना नीचे, आरआई। तो 17th ग्रुप का आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक चाहिए तो उसका वैलेंसी क्या होगा? 1 होगा। 18th ग्रुप एलिमेंट्स वैलेंसी 0 है, they're called as 0 group elements. उनका नंबर 0 होता है, बाकी क्या है? 1, 2, 3, 4. Excuse me, sir. Sir, उसके बाद तो जो एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। जितने एलिमेंट्स आवश्यकता है हमारे सिलेबस, उतनी आवश्यकता हम पढ़ रहे हैं, ठीक है सर? उसके बाद जो एलिमेंट रहेगा, हमें थे इसलिए पूछा था, ठीक है, समझ गया मैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। उसके बाद जो एलिमेंट है, उस ग्रुप के हर एक एलिमेंट का वैलेंसी सेम होगा। तो आपको बस एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल लर्न है, एस और पी ब्लॉक, तो फिर इजीली आप किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी बोल सकते हो। अब टकाटक मुझे बताओ, बोलो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ गैलियम? 3 होगा वैलेंसी। ग्रुप नंबर से वैलेंसी बताओ, उसके एटॉमिक नंबर से नहीं। वो ट्रेंड खत्म करो, जब आपको पूछते हैं वैलेंसी क्या है, अच्छा ऑक्सीजन की वैलेंसी, इसका एटॉमिक नंबर क्या है जी? एटॉमिक नंबर इसका 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है जी? 2.6 है। जो इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, उसी वैलेंसी इसका 2 है, या फिर उसे रट्टा है हमको, उसी लिए बता दिया हमें, है ना? ये एलिमेंट हमने बचपन में मतलब 10th में पढ़ा है,
याद है उसने बताया, अरे याद है बता दिया, एटॉमिक नंबर से कॉन्फिगरेशन में बता दिया, ये सब पुरानी बातें, नया ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल से बताइए, ग्रुप नंबर से बताइए, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ बिस्कुट, बिस्कुट नहीं बिस्मत, थ्री बिस्मत बिलोंग्स 15th ग्रुप, वैलेंसी क्या है थ्री, गुड, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ आंटी टू, नहीं 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 वन टू वन, तुम्हारे घर के बाजू आंटी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये वाले आंटी की बात कर रहा हूँ, एस्ट टाइम समझ रहे हो अतरवा, हाँ एस्ट टाइम 17th वन, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ बेरियम टू, तो क्या करना पड़ेगा वैलेंसी बोलने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, पीरियड टेबल लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, जो हम जमाने पहले आपको बोल चुके हैं, सेकेंड चैप्टर में वही था पीरियडिक प्रॉपर्टीज, उस टाइम से मैं बोल चुका हूँ पीरियड टेबल लर्न होना चाहिए, पीरियडिक टेबल इज द बेस ऑफ केमिस्ट्री, यस सर, अभी फिर से और कितना बताऊंगा, तो जनी हो वैलेंसी ही 13 ग्रुप का होता है एटम्स, निमोनिक्स क्या था सर, आप उधर 13 ग्रुप का निमोनिक्स क्या है सर, बैंगन आलू गाजर इन तैला, मैंने आपको पोस्ट किया ना वीडियो हाउ टू लर्न पीरियड टेबल करके, वो वापस एक बार सर, हां नहीं आया सर, भेजो ना सर, रीसेंड करो ना, रीसेंड क्यों करो रीसेंड सर, सर थोड़ा भूल गए सर, उस वीडियो में बहुत ऊपर चला गया सर, एलिमेंट आधे ही छोड़ दिए, क्या बोले सर, उस वाले वीडियो में आपने सिर्फ फर्स्ट पहला ग्रुप पहला ट्रांजिशन एलिमेंट वाला ग्रुप बताया, बाकी के दो बोले कि इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी फाउंडेशन कोर्स में, हाँ तो उसमें एस ब्लॉक है कि नहीं पूरा, हाँ एस और पी, एस पी है, एस और पी पूरा रहेगा और डी का फर्स्ट सीरीज रहेगा, है ना, यस सर, हाँ उतना भी हमने लर्न किया ना, बहुत बड़ी बात है उसके बाद याद तो हो जाता है लेकिन क्वेश्चन में लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हाँ तो यही ना, जितना अप्लाई करोगे उसको उतना आपको लर्न रहेगा, वो टिकेगा दिमाग में, ठीक है, प्लीज अप्लाई एटलीस्ट एस और पी ब्लॉक आपको लर्न होना चाहिए, जितना उसने बताया ना वीडियो के अंदर, वो बहुत है आपका 11th 12th कम्प्लीट करने के लिए, और ऐसे बाकी भी पढ़ लेंगे, डी एंड ब्लॉक चैप्टर के अंदर डी एंड ब्लॉक पढ़ना ही पड़ेगा हमको, डिफरेंट थिंग, पर फिलहाल तब तक ऐसे बहुत है, मैं फिर से रिसेंड करता हूँ, ठीक है, जो लोग नए आए हैं वापस देख लेना, यानी अभी के लिए समझ में आ गया आपको एटम्स का वैलेंसी बैटरी कैसे निकालने का, उनका वैलेंसी ही उनका वैलेंसी फैक्टर है, अब देखते हैं बात करते हैं आयंस के बारे में, आयंस वैलेंसी बैटर क्या है, जो उस आयन के ऊपर चार्ज होगा ना उसका चार्ज ही उसके वैलेंसी फैक्टर होगा, जैसे मान लीजिए Al3+ चार्ज क्या है इसके ऊपर 3+ वैलेंसी बैटरी इज 3 Cl- वैलेंसी बैटरी क्या होगा -1 सर माइनस नहीं आएगा, वैलेंसी फैक्टर कभी प्लस या माइनस में होता नहीं है, ठीक है ना, सो ऑनली नंबर प्लस माइनस लगाने का नहीं, वैलेंसी बैटरी के अंदर बस ऊपर नंबर देखने का, -1 है मतलब 1, +3 है मतलब 3, व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ Mg2+ 2 व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ P3- 3 सिंपल है, सो आयंस के ऊपर चार्ज होता है वही उनका वैलेंसी फैक्टर कहलाता है, अगर किसी ने आपको आयन दिया है और पूछा है इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है, चार्ज देखना उसके ऊपर कितना है वही उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा, सिंपल है, नोट कर लिया, यस सर, यस सर, एटम्स हो गए आयन हो गए, टॉक अबाउट एसिड, अगर कोई एसिड दिया है और पूछा है कि इस एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या है, एसिड का बेसिसिटी ही उसका वैलेंसी फैक्टर है, एसिड का बेसिसिटी ही उसका वैलेंसी फैक्टर है, अतरव बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड, अतरव सबको बता दो, सबको नहीं पता ये बात सर, मैं हाँ प्लीज सर, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, यू आर मच क्लोजर डियर,
ऑलमोस्ट है, नाम क्या आपका? सर नंबर ऑफ ओएच आयंस पर मोल। आप एकदम सही बोल रहे हो, स्लाइट मॉडिफिकेशन, बहुत सही है 99%। नंबर ऑफ एच प्लस आयंस एन एसिड कैन लूज इज कॉल्ड इट बेसिसिटी। उसके पास कितने एच प्लस आयन है वो बेसिसिटी नहीं है, कितना वो लूज कर सकता है वो बेसिसिटी है ना। यस सर। कितना कर सकता है वो बेसिसिटी। हाँ जी सर, उदाहरण ले कुछ। यस सर। एससीएल, एससीएल का बैलेंस इक्वेटर क्या होगा? इस बेसिटी क्या है? हाउ मनी एच प्लस कैन लूज? वन। वन। एच टू एस फोर? H3PO4? सर सही है। हाँ भाई सही है, उसे लिखा रहे हैं ना, गलत क्यों लिखाएंगे आपको? सर मैं तो सिर्फ नंबर गिन रहा था। क्या बोले सर? मैं तो H के नीचे के नंबर गिन रहा था। मैं भी यही कर रहा था। क्या गिन रहे थे आप? सर H के नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाँ तो यहाँ पे क्या हो गया, जितने हाइड्रोजन उसके अंदर है उतना लूज कर रहा है ना। यस सर। दोनों डेफिनेशन से आंसर सेम ही आ रहा है ना। yes, जो पहले आपने उतने डेफिनेशन क्या बताया, उसने बताया सर कितने हाइड्रोजन उसके अंदर है वही वैलेंस फैक्टर है। मैंने बोला नहीं वो गलत डेफिनेशन है, मैंने क्या बोला कितना हाइड्रोजन लूज करेगा वही वैलेंस फैक्टर है। बट कंसेप्ट वाइज अलग अलग है, कंसेप्ट में बहुत अंतर है, परंतु टेक्निकली वो वही आंसर आ रहा है ना। yes, जितने उसमें हाइड्रोजन उतना वो लूज कर रहा है जितना है उतना वो लूज कर रहा है, उसके वैलेंस फैक्टर वही होगा, पर उसका डेफिनेशन अलग है ना। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट में अंतर है। अच्छा समझ में आ गया सभी को? यस सर। साक्षी को समझ में आया? यस सर। साक्षी बताओ, अब देखो दो साक्षी है क्या क्लास में? नो। फिर उन्होंने साक्षी समझ में आया, दो लोगों ने बोला यस सर यस। तो सखी बताओ, एस थ्री PO2 का वैलेंसी फैक्टर क्या है? 3। सखी बोल रही है 3, पर ये जगह बिल्कुल है। साक्षी कौन बताएगा क्या ये जवाब गलत है कि सही है? ऊपर वाले लॉजिक से सही होना चाहिए। सर 2 होगा शायद। सर 2 होगा। अच्छा लिख लीजिए प्लीज। सर थ्योरी से ज्यादा तो एक्सेप्शन है। अब देखो अभी आपका लॉजिक से क्या होता है, आंसर तो जाता। अगर आप गिनते तीन हाइड्रोजन इसके अंदर तो आप बोलते आंसर क्या 3 आना चाहिए। अगर डेफिनेशन आपका हम मान लेते तो क्या होता है, आंसर 3 होता है यहाँ पे। पर मैंने क्या बोला कितना वो लूज करता है वही वैलेंसी फैक्टर है। इसके पास 3 हाइड्रोजन है पर 3 लूज करता नहीं है, वो एक ही हाइड्रोजन लूज करता है। इत्तेफाक से ऐसा हो गया, बाकी सारे जो एसिड है ना, जितने एसिड है इनको छोड़ के बाकी सारे एसिड का आप जितने उसमें हाइड्रोजन है उतना उसका वैलेंसी फैक्टर बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड सारे एसिड जो है ना जितने उनके पास हाइड्रोजन सब लूज कर देते हैं, पर ये सबका सब लूज नहीं करते हैं। सर ऑर्गेनिक एसिड, सर ऑर्गेनिक एसिड का क्या? ऑर्गेनिक को मारो गोली। करंटली हम इनऑर्गेनिक और फिजिकल में ही, ऑर्गेनिक में गए नहीं, वहां जाओ ही मत, फिर एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन हो जाएगा। सर थ्योरी से ज्यादा तो एक्सेप्शन है।
फिलहाल हम इनऑर्गेनिक के अंदर रहते हैं, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स वहां तो जाते नहीं है, तो सिलेबस में एंट्री नहीं है उसके। ठीक है, अच्छा क्या आपको जानना है ऐसा क्यों? यस सर। यस सर, क्योंकि मैं अभी आपको जवाब दे सकता हूं क्योंकि ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग हमारा हो चुका है। ठीक है, तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए तो आइडिया आएगा। H3PO2 से कैसा होगा? P like this, तीन फॉस्फोरस के एसिड्स, समझा सर? जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैच है ना, सिर्फ वही हाइड्रोजन एसिड लूज कर सकता है। यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच है हाइड्रोजन, वही हाइड्रोजन लूज कर सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन को लूज करने के लिए बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी वो आयनाइज होगा, तभी वो एच प्लस वन के बाहर आएगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस को अटैच है वो टूटेंगे नहीं, कौन टूटेगा? सिर्फ टूटेगा, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन को अटैच, इसलिए वैलेंस बैटर क्या है? वन। यहाँ पे दो हाइड्रोजन अटैच ऑक्सीजन को, दोनों लूज हो सकते हैं, आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, वैलेंस बैटर टू है। यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैच होते हैं, वैलेंस वेक्टर और H2SO4 केस में भी दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैच है, उसलिए दोनों हाइड्रोजन आयनाइजेबल है। अगर वो हाइड्रोजन सल्फर को अटैच होता तो आयनाइजेबल नहीं। तो यहाँ पे समझ में रीजन क्या है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, कौन जवाब देगा? सर मैं। मैं मतलब सर शिवम। शिवम जी बताइए, व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ H3PO3? दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरॉन का इकलौता एसिड है ये, ऑर्थोबोरिक। सर 3 होगा। शिवम बोल रहा है क्या? यस सर। शिवम बोल रहा है 3। क्या किसी कोई ऑब्जेक्शन है? नो सर। नो सर। नो सर। मुझे है, मुझे ऑब्जेक्शन। सर आप हर बार क्वेश्चन में एक्सेप्शन ही डालते हो। अरे यार हर बार नहीं, जब मैं एक्सेप्शन देता हूँ तुम नॉर्मल समझ आंसर करते हो। Yes, sir. जब नॉर्मल क्वेश्चन देता हूँ तुम एक्सेप्शन समझ कहां से देते हो, तो मेरी गलती थोड़ी है। भैया ऐसा नहीं है। अच्छा अभी तो आपने सिर्फ दो ही एक्सेप्शन लिखा है। वेट अ मिनट, कहानी पूरा सुनो यार, पूरा कहानी सुनो, इंटरेस्टिंग है तुम। ठीक है, मैं अभी आपको सही आंसर क्या बोलता हूँ। ये पैकेज 3 तो नहीं है, पैकेज आपको मिलेगा बंपर ऑफर पे सिर्फ 1 पे। इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। ठीक है, ये सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, किससे पूछूं अगला क्वेश्चन? गर्ल्स में से बोलो कोई, बॉयज हो गए। हर बार बॉयज ही पचका होता है क्या, मजा थोड़ी आता है। तो गर्ल्स है हिम्मत वाले? यस सर। हाँ, नाम क्या है? कल्पना। कल्पना चावला बोलो। शुभम। कल्पना चावला जी बोलिए, H3PO3 कितना हाइड्रोजन लूज कर सकता है? वन। कल्पना बोल रही है H3PO3 जो है ना एक हाइड्रोजन लूज कर सकता है, जवाब बिल्कुल गलत है। अब आप क्या बोलेंगे? सर कसा ऐसा कसा है ना, आपने तो बोला वैलेंसी बैटर मतलब कि एसिड का वो कितना हाइड्रोजन लूज कर सकता है वही उसका वैलेंसी बैटर है ना। तो कल्पना ने बोला सर आपने बोला कि वैलेंसी बैटर 1 है, तो मैंने सोचा क्योंकि वो एक एच प्लस लूज कर रहा है उसमें वैलेंसी बैटर 1 है, उसने 1 बोला, बराबर है कल्पना? यस सर। पर मैं बोल रहा हूँ गलत, ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है भैया।
एटलीस्ट ये लोग किस बात के लिए एक्सेप्शन थे कि जितना उसमें दिख रहा है उतना नहीं है, और कितना लूज कर रहे, एक्सेप्शन में नहीं बोल सकता हूं मैं भाई, कंसेप्ट एकदम बराबर है ना, कंसेप्चुअली फॉलो कर रहे हैं, ये कंसेप्ट कोई फोल्ड डाला इसने तो कंसेप्ट कोई फॉलो नहीं करता ना, लॉजिक को फॉलो करना कंसेप्ट, ये बियॉन्ड एवरीथिंग, क्यों पता है, ये बहुत स्पेशल है, बताओ ये कंपाउंड स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर बी है, बी क्या है इसके अंदर, बी है, बी पता है आपको, बी मतलब बोरॉन, बी फॉर बाराजू सर, तो जहां जहां मैं रहूंगा वहां वहां स्टेबिलिटी आई जाती है, ये सबसे हटके है भैया, इसका वैलेंसी फैक्टर वन है, परंतु इसका वैलेंसी फैक्टर वन इसलिए नहीं है कि वो H प्लस लूज करता है, ये एक भी H प्लस नहीं करता है, नंबर ऑफ H प्लस लॉस्ट इज जीरो, एक भी H प्लस लूज करेगा नहीं, फिर भी वैलेंसी फैक्टर वन है, कैसे वैलेंसी वन कैसे है, इट्स वैलेंसी फैक्टर इज वन, इट्स वैलेंसी फैक्टर इज वन बिकॉज इट एक्सेप्ट्स वन H प्लस वन ओ एच माइनस, आपके सोच के बाहर है, ये एक OH माइनस को एक्सेप्ट करके अपना वैलेंस वेक्टर वन बताता है, इसका एसिड होने के रीजन भी खतरनाक है ना, क्योंकि जनरली एसिड मतलब क्या समझते हैं, एसिड मतलब H प्लस लूज करना चाहिए है ना, जो H प्लस लूज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड, पढ़ा होगा आपने बचपन में, yes, sir. और जो OH माइनस लूज करता है उसको बोलते बेस, तो ये H प्लस लूज नहीं कर रहा है, फिर भी इसका नाम क्या पड़ गया है, एसिड पड़ गया है, इसने कुछ अलग किया, उसने बोला देखो किसी ने H प्लस लूज किया तो उसको बोलते है एसिड, OH माइनस लूज किया तो उसको बोलते है बेस, ये थ्योरी किसने दिया जी, दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय, ये एसिड बेस थ्योरी किसने दिया, अब ये मत बोलना कि हमारे स्कूल टीचर ने दिया, ये किसने दिया जी, अर्हेनियस ने, दिस इज अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, अर्हेनियस हैज गिवन दिस कंसेप्ट दैट दोस हु लूज H प्लस दे आर कॉल्ड एसिड्स, दोस हु लूज OH माइनस आर कॉल्ड एज बेसेस, पता होगा आपको, पढ़ा होगा आपने बचपन में, अर्हेनियस के साथ ही उसी वक्त जिस वक्त अर्हेनियस काम कर रहा था उसी वक्त दो और मित्र थे जो काम थे इसके ऊपर, उनके नाम था ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, उन्होंने दिया ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट उसी वक्त में, और उन्होंने क्या बोला, जो H प्लस देता है वो एसिड है, वही इसने ही बोला, दोनों सेम सेम, और उसमें जो H प्लस लेता है वो बेस है, दिस इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, दोनों थ्योरी एक साथ एग्जिस्टेंस में है, मतलब थोड़ा कुछ दिनों का अंतर रहेगा बस, एक ही ईयर में, सेम ईयर में और ऑलमोस्ट सेम मंथ के आसपास भी लोगों ने थ्योरी दिया, प्रपोज किया था, ये बोलते हैं कि जो H प्लस देता है वो एसिड, H प्लस लेता है वो बेस, तब H3 भी उत्तरी ने क्या बोला पता है क्या, वो बोला जिस प्रकार से H प्लस दिया तो एसिड, H प्लस लिया तो बेस, उसी प्रकार से अगर OH माइनस दिया तो क्या बोला अरहेनियस ने, बेस बोला, तो मैं OH माइनस लूंगा और क्या बनूंगा, एसिड, एसिड कहलाऊंगा, इस इकलौता एसिड ऐसा इकलौता है पूरे केमिस्ट्री के अंदर एंटर केमिस्ट्री, इकलौता ऐसा एसिड है जो OH माइनस को एक्सेप्ट करके अपने आप को एसिड बोलता है, तो बी ओ एच त्राइस एस थ्री बी ओ थ्री, ये मैंने ऐसे लिखा उसको, ये OH माइनस गेन करता है और बनाता है बी ओ एच फोर टाइम्स, अब क्वेश्चन आपका ये उठ सकता है कि सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मतलब ये मॉलिक्यूल ऐसा क्यों कर रहा है, उठता है मन क्वेश्चन ही नहीं उठता है, नहीं उठ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए, नोट कर लिया, Noted everything?
Yes, sir. All these things. ठीक है. तो ये था वैलेंसी वेक्टर ऑफ एसिड्स. किस प्रकार से आप एसिड्स का वैलेंसी वेक्टर पता कर सकते. अगला हम बात करेंगे क्या चौथा अबाउट द बेस. एक बेस का वैलेंसी वेक्टर क्या number of OH minus ions it can lose. और इसको बोलते हैं एसिडिटी. जैसा एसिड के लिए आपने बोला बेसिटी, बेस के लिए एसिडिटी. इट इज द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस इट कैन लूज. बताइए क्या होगा वैलेंस फैक्टर. वन वन ठीक. आप कौन बताएगा नेक्स्ट, कौन बताएगा, किसको हिम्मत है बताने की. सर आप एक्सेप्शन ही दोगे. मैं क्या लूंगा तो मेरी मर्जी यार, किसको बताना है बताओ. सर पहले आप क्वेश्चन दो फिर बताएंगे. नहीं नहीं पहले कौन बताएगा होता फिर वो पूछता हूँ. मैं मतलब प्रतीक. प्रतीक जी बताइए. एक ही चांस मिलेगा आपको. इतना टाइम क्यों लगा रहे हो यार, बोलो. सर मैं बोलू. नहीं नहीं प्रतीक को बोलना है. सर टू. बराबर. इतना सोच क्यों हो रहे हो तुम. दो ओएच है ना उसके अंदर भाई. एक ओएच देगा तो एक आएगा वैलेंस फैक्टर, दो रहेगा तो दो आएगा, तीन तो तीन आएगा भाई. और थिंकिंग सो मच. सर कहीं एक्सेप्शन तो नहीं टेंशन आ रहा था. सोच नहीं सर, मैं हंस रहा था थोड़ी देर के लिए. हाँ सिंपल है. बेस में कोई एक्सेप्शन आपको नहीं है. ठीक है ना. अच्छा ठीक है, बेस में कोई एक्सेप्शन आपको नहीं है. चलो अगला प्रश्न उत्तर कौन देगा. आलोक. आलोक व्हाट इज द वैलेंस फैक्टर. आलोक बताओ ना, सोच क्या रहे हो यार, टकाटक बताओ क्या है. हेलो सर. आलोक नहीं है. अभी होता कुछ नहीं चल रहा है क्या. अगर सर मैं देता हूँ. वन होगा ना. सर वन होगा. सर वन होगा. हाँ हाँ सर, ये धोखा में वापस नहीं खाने वाला. ये क्या है जी, ये बेसिकली एस3 BO3. ये बेस नहीं है, एसिड है. ठीक है, धोखा मत करना एग्जाम में. यस सर. अगर उसने OH thrice दिया है तो ये OH देख के आप बेस मत समझ लेना उसको. एस3 BO3 को ही BOH thrice ही बहुत जगह पे लिखते हैं धोखा देने के लिए लोगों को कि वो बेस समझ गए. सर ऐसे कैसे दो दो नाम. हाँ सर दो दो नाम से कैसे. नाम दो नहीं है जी, नाम वही है. डिप्रेसिंग नाम थ्री कॉमन ही है बस. हाँ ऑर्थोबोरिक एसिड ही है इसका नाम बस. फॉर्मूला हेरा फेरी कर सकते हैं ना, एक ही बात होगा ना.
हाँ सर डब्ल्यू सेम थिंग आप ये ऐसे लिखो कैसे भी लिख सकते हैं आप तो वो कंफ्यूज करके लिखते हैं ठीक है कहाँ चला गया ठीक वो ध्यान देना बस वो ध्यान देना चाहिए उसके में बताया वो कि वहाँ पे गलतियाँ होती रहो उससे एसिड हो गया बेस हो गया बात करते हैं सॉल्ट्स सॉल्ट या फिर एनी कंपाउंड आप ले लो कोई भी कंपाउंड के लिए काम आ जाएगा आयनिक कंपाउंड में कोई भी कंपाउंड में योर बैलेंसिंग फैक्टर इज टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करो कैटायन के ऊपर का या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन कंसीडर कर सकते दोनों में से कोई एक दोनों मत करना वो भी उसका वैलेंसी फैक्टर जो आपको आसान जाता है वो ले लेना मोस्ट ऑफन कैटायन इज मोर इजी बिकॉज कैटायन से पता होता है हमको पहले ग्रुप वन ग्रुप टू एलिमेंट से होते हैं जैसे मान लीजिए आपको दिया मैग्नीशियम सल्फेट इसका वैलेंसी फैक्टर इसको पहले आयनाइज करो आप आयनाइज करने क्या मिलेगा आपको Mg प्लस SO4 टू माइनस मैं लिया कटाएं एक ही Mg है व्हाट इज चार्ज ऑन इट टू दैट इज वैलेंसी फैक्टर ओके यस सर बराबर आयनाइज करने ये मिलेगा ना एक एल्युमिनियम पे थ्री है दोनों में कितना हो जाएगा छह सिक्स मैंने क्या टोटल पॉजिटिव चार्ज पढ़ ही रहा बिल्कुल ओके डन यस सर यहाँ पे तीन एम जी है समझ में आ गया yes, sir. Salts. तो ऐसे आप किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आपको बैलेंसी फैक्टर निकालना है इस प्रकार से आप बैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हो और ये बैलेंसी फैक्टर के माध्यम से आप इक्विवेलेंट मास भी निकाल सकते हो आप बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ इक्विवेलेंट मास फॉर एग्जांपल हमको पूछा है व्हाट इज द Can you find the equivalent mass of all this following? निकालिए के क्वेश्चन में करूंगी सब कर लेंगे आप सर एक आप करो ना सर कर रहे रुको कौन सा करूं मैं एबीसीडी कौन सा करूं सी सी करूं एससीएल इक्विवेलेंट मास इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर What is the molecular mass of HCl?
एच का एक ग्राम सीएल 35.36.5. व्हाट इज द वैलेंसी वेक्टर ऑफ एससीएल? वन ना वन ऑन एक एच में देगा वो वन दिस इज 36.5. उसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन उसके वैलेंसी फैक्टर वो इक्विवेलेंट मास है. करिए बाकी आप. स्ट्रेंथ कितना हो गया आज अभी? 20 30 30. ये हर दिन कम होने का रीजन क्या है? 37 सर. सर 1.5 ही रखा करो. 1.5 सर ज्यादा हो जाता है 2 घंटे कंटिन्यू. सर स्टार्टिंग 45 थी. घटने का रीजन कुछ है क्या? नेटवर्क इशू होगा उनका. कुछ ज्यादा ही नेटवर्क इशू आ रहा है पुणे में. नगर में इतना, नगर में तो होता ही नहीं. मतलब एक हाथ दो बच्चों को होता है ना हमारे यहाँ. जितना स्टार्टिंग का बच्चे रहते हैं मेरे क्लास उतने ही एंडिंग तक रहते हैं. यहाँ पे घटने का भी मुझे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है मेरा खुद का. कहीं मेरा पढ़ाना समझ में तो नहीं आ रहा लोगों को, भाग जा रहे हैं. सर आप सही पढ़ा रहे हो सर. सर अटेंडेंस भी कम दिख रही है वो जो चैट पे डाल दिए करेंगे अभी. अरे आंसर जान तो कोई बात नहीं. ए इज H2SO4. क्या है H2SO4 का आपको? 49 मोलर मास बैलेंस. वेरी गुड. मोलर मास कितना है? 98. यस सर. बैलेंस वेक्टर 2 दिस इज 49 ग्राम्स. उसके बाद बी ये है काफी. 100 मॉलिक्यूलर मास आया सबका. 100 कैल्शियम का 40 yes, कार्बन का 12 3 × 16 100 डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर 2 Ca2+ प्लस ना दिस इज 50. किसी को शंका? नो सर. 26. ये तीसरा चौथा क्या है? एयर 2. इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 2 × 27 प्लस 3 × 48. 27 × 2 कितना होता है? 54. क्या 3 × 48 कहाँ से आ गया? 16 होना चाहिए ना. हाँ हाँ मैंने इंटू करके लिख दिया शायद दिमाग. कितना हो जाएगा ये? 12/1 102 आ रहा है क्या? यस सर. सो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू 102 बाय व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर? 6 2L3+ है 6. सबसे कम इक्विवेलेंट मास किसके चारों में से? लीस्ट इक्विवेलेंट मास Al2-3 का ही है ना. Al2-3 सबसे कम. और हाईएस्ट किसका है? हाईएस्ट CaCO3 हाईएस्ट लाइमस्टोन. आपको समझा कैसे निकालें इक्विवेलेंट मास? यस सर. यस सर. हां जी
ये एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास और इक्विवेलेंट मास, यही टॉपिक था आज का। आप कभी देखते ही ना टाइम टेबल, है ना? टाइम टेबल सर बेचारे डालते हैं यार वीक। सर डाला नहीं सर इस हफ्ते का। टॉपिक लिखा नहीं था। हाँ सर, टाइम टेबल नहीं मिला हमें। अरे डालते हैं तो भी कहाँ तुम देखते रहेंगे यार। अरे सर देखते हैं सर। देखते सर। पक्का? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। थैंक यू सर। जब तक मैं थैंक यू नहीं, तब तक आप जाइएगा नहीं। खतरनाक है तुम्हें। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया ना न्यूमेरिकल्स में, क्या वो कोई ऑक्साइड दिया है, आपको बोला मेटल ऑक्साइड में ऐसा क्वेश्चन आ गया है ना, फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इन सम मेटल ऑक्साइड, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा आपको, ठीक है ना? जब ऐसा क्वेश्चन आएगा यू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला टू सॉल्व डायरेक्टली। शॉर्टकट, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल विल बी इक्वल टू mass of metal upon mass of oxide into 8। ये फॉर्मूला आप यूज करना डायरेक्टली, आपको आंसर आ जाएगा। अगर वही आपको मान लीजिए क्लोराइड बोला है, मेटल ऑक्साइड बोली, मेटल क्लोराइड दिया है, गिवन विद मेटल क्लोराइड, जस्ट मॉडिफाई द सेम फॉर्मूला, बाकी सब सेम रहेगा ऊपर नीचे, या नीचे बस मास ऑफ क्लोराइड है ना, मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ क्लोराइड इंटू 35.5। इसलिए होता है मेरे को क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है ऑक्साइड क्लोराइड का, ये मोल कंसेप्ट में बहुत बार आ चुके हैं पहले, तो उसके लिए डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत लेंथी मेथड है, डायरेक्टली इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। सर। यस मैडम। सर मुझे एक डाउट है। किसके ऊपर डाउट है? मेरे ऊपर? नो सर। हाँ। सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कोई डिफरेंस होता है सर? नहीं सेम ही है दोनों। सर हमारे स्कूल के टीचर बोल रहे थे कि डिफरेंस है उसमें। क्या डिफरेंस है बोले? One, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपने उन्होंने कुछ सही बोला, आपने गलत समझ लिया होगा। वो जो फॉर्मूला है ना, इट इज फॉर इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy is equal to minus of ionization enthalpy. मुझे फॉर्मूला बता रहे हैं ना वो, इसके लिए ionization enthalpy equal to electron gain enthalpy या फिर electron gain enthalpy equal to minus of ionization enthalpy, because electron gain enthalpy, electron affinity दोनों एक ही बात, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज का दो अलग अलग नाम है। हिंदुस्तान और भारत दोनों एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। एक ही है। वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी दोनों एक ही है। जो रिलेशन आपने बोला वो रिलेशन गलत बोला आपने, ये रिलेशन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये दो एंथैल्पी अलग अलग है।
या तो आपने गलत सुना जो उन्होंने बोला, ठीक है, या तो फिर उनका क्या बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग हो गया एक का टीचर का, ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू सर. सर थैंक यू वेरी मच.